हेलो दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही बढ़िया मैक्रोनी की रेसिपी। तो फटाफट से बन जाएगी और बच्चों को जैसे शाम को भूख लगे तो फटाफट से आप इसे बना भी सकते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। तो सबसे पहले हमने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया है नमक और ऑयल डाल के पानी में, और इसे 80 से 90% तक ही हमें कुक करना है। उसके बाद मैंने इसे अलग कर दिया है पानी से, और उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा ना सॉस सबसे पहले तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर टमाटर, लहसुन और सूखी लाल मिर्चें हैं ना, उन्हें बॉईल कर लिया है। और इसके बाद जब ये अच्छे से उबल जाएंगे तो इन्हें अलग से रख देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तो टमाटर के जो छिलके हैं ना उन्हें उतार के और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद ना पैन में तेल गरम करेंगे, और मैंने तो यहाँ पे कैप्सिकम लिया हुआ है, कैबेज और अनियन लिया हुआ है। आप एक दो वेजीज और भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे थोड़े बहुत मसाले डालेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मिक्स हर्ब, लाल मिर्च और नमक डाल दिया है, और साथ में मैंने यहाँ पे ना जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है, और इसके बाद पास्ता सॉस डाल दिया। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और ये जो सॉस वाला पास्ता है ना बहुत ही बढ़िया रेडी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मेयोनीज भी डाल दिया है, उसके बाद बॉईल किया हुआ जो मैक्रोनी था हमारा वो डाल दिया है, सबसे लास्ट में चीज़ डाल के थोड़ी देर के लिए ढक के पका लेंगे। और देखिए बहुत ही बढ़िया मैक्रोनी रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।